हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए वेज चीज़ पिज़्ज़ा बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। आज की रेसिपी में मैं आपको पिज़्ज़ा बेस बनाने बताऊंगी, वो भी बिना ईस्ट के, और हमारा पिज़्ज़ा बनेगा कढ़ाई में बिना ओवन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के बेस के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, वजन से 250 ग्राम मैदा है ये। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, और मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों भी बहुत ज़रूरी है इसमें। अब इन सभी को अच्छी तरह हाथों से मिला लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 चम्मच दही। दही डालने के बाद अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। दही के साथ अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये देखिए मैंने इसे गूंद लिया है, पर अभी हम इसे 5 मिनट तक और गूंदेंगे एकदम अच्छे से। दबा दबा कर हाथों से प्रेस करके इसे गूंद लेना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट तक अच्छे से गूंदने के बाद इस पर हम थोड़ा सा तेल डालकर इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे यानी कि स्मूथ कर लेंगे। इसे तेल के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे एक गीले कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए कढ़ाई में 250 ग्राम नमक लिया है। इसमें हम कोई भी स्टैंड या फिर इस तरह की कटोरी लगा लेंगे। पिज़्ज़ा को बेक करने के बाद आप इस नमक को स्टोर करके रख सकते हैं, फिर कभी बेक करें तो फिर यूज़ कर सकते हैं। इसे ढककर प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए। जब तक ये प्री हीट होता है तब तक आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। आटे को भी 10 से 15 मिनट हो गया है रेस्ट करते हुए। इसे एक बार फिर से थोड़ा सा गूंद लेते हैं। अब हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इतने आटे में हमारा 3 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएगा। अब हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक लोई को लेकर बिल्कुल इस तरह से गोल कर लेंगे। अब हम एक चकले पर या फिर रोलिंग फ्लोर पर थोड़ा सा मैदा छिड़क कर इसे बेल लेंगे अच्छी तरह से। इसे न ज़्यादा पतला बेलेंगे न ज़्यादा मोटा, लगभग 1/2 इंच जितना मोटा होना चाहिए। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम जिस प्लेट में इसे बेक करने वाले हैं उस प्लेट को हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तेल को अच्छी तरह से पूरे प्लेट पे स्प्रेड कर ले। मैं अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर ले रही हूँ। अब हमने जो पिज़्ज़ा बेस तैयार किया था इस पर रख लेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से प्रेस कर करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसके साइड्स में जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह से प्रेस करके थोड़ा सा गड्ढा सा कर लेंगे। अब इस पे एक फॉक की हेल्प से बिल्कुल इस तरह से प्रिक कर लेंगे। इस तरह से पिज़्ज़ा बेस पे होल बनाने से हमारा पिज़्ज़ा बीच में से फूलेगा नहीं। अब इस पे हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये मैं होममेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगी। 2 से 3 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लेकर पूरे पिज़्ज़ा बेस पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे पिज़्ज़ा बेस पे अच्छी तरह से लगा लिया है पिज़्ज़ा सॉस को। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ या फिर आप पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ये बहुत ही इजीली मिल जाता है। चीज़ को एकदम अच्छी तरह से इस पे लगाएंगे या फिर आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं कम ज़्यादा। मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही लगाऊंगी, मुझे चीज़ बहुत पसंद है। अब इस पर हम लगाएंगे एकदम अच्छी तरह से वेजेस की टॉपिंग, क्योंकि हम वेज पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हम अच्छी तरह से इस पे वेजेस को लगा लेंगे। मैंने वेजेस में लिया है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और कॉर्न। आप यहाँ टॉपिंग में पनीर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर में अभी के लिए जो अवेलेबल वेजेस थे मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अब हम इस पे फिर से थोड़ा और ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। अब हम वेज चीज़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो भर भर कर चीज़ डालना तो ज़रूरी है, तभी तो मज़ा आएगा पिज़्ज़ा खाने में। अब इसके साइड्स पे मेल्टेड बटर लगाएंगे एकदम अच्छी तरह से। अब हमारा पिज़्ज़ा एकदम तैयार है, बस इसे बेक करना बाकी है। जब पिज़्ज़ा तैयार हो गया है तो देर किस बात का, अब इसे बेक भी कर लेते हैं। कढ़ाई एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें हमारे पिज़्ज़ा के प्लेट को बेक करने के लिए रख देते हैं, एकदम आराम से संभाल कर रखें। और अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से बेक होने देंगे। पूरे 15 मिनट होने के बाद मैं इसे खोल रही हूँ। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा एकदम अच्छी तरह से पक चुका है, अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे कढ़ाई में से। हमारा पिज़्ज़ा एकदम तैयार है। अब हम इसे एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से अच्छे से कट कर लेंगे। इसे सर्व करने से पहले अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स या चिली फ्लेक्स हो तो इसे गार्निश कर लें।
मुझे तो ऐसे ही देखकर पिज़्ज़ा को मुंह में पानी आ रहा है। आप सबके भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना पिज़्ज़ा को देखकर, क्योंकि ये बना ही इतना मज़ेदार है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। देख सकते हैं आप कितना चीज़ी डिलीशियस है ये पिज़्ज़ा, और पीछे से भी आप देख सकते हैं एकदम अच्छी तरह से पका है, एकदम परफेक्ट बेकिंग, वो भी कढ़ाई में। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।